नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज जन का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र जनपद से आ रही है। चौपन में 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। सोनभद्र के चौपन थाना के 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार चौपन में रहकर प्राइवेट कार्य करता है और अपनी तथा परिवार का पालन पोषण करता है। आरोपी प्रीत नगर में किराए पर रहता था, पुरानी बैटरी खरीदने बेचने का कार्य करता था। घटना कल शाम की बताई जा रही है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। अभियुक्त का मेडिकल जांच हो चुका है, वहीं पीड़िता का भी मेडिकल जांच हो चुका है। पीड़ित परिवार के लिखित शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि SC/ST पास्को एक्ट सहित 376 की धाराओं के तरह गिरफ्तारी भी हो गई है, जो कोर्ट में पेशी के लिए भेजा जाएगा। सोनभद्र जनपद से इंडिया पावर न्यूज के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट। इस संबंध में आज एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के इद्दन सनाफ करीमुद्दीन ने उनकी बच्ची के साथ गलत काम करने का प्रयास किया है। हमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हो चुका है। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हाँ, इसमें IPC की धारा 376/511, इसके अलावा पॉस्को एक्ट की धारा 7/8 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 325 एक्ट लगाई गई है।